बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नज़र आपकी हेडलाइंस पर। डॉलर का पलट कर वार, इंटरबैंक में पहले 1.26 रुपये महंगा हुआ, फिर 70 पैसे सस्ता हो गया। 150.30 रुपये पर ट्रेड जारी। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये इजाफे के साथ 151 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 750 पॉइंट्स गिर गई। इंडेक्स 35,000 की सतह से नीचे। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के वकला की एहतसाब अदालत के जज से तल्ख कलामी। किसी को अदालत में ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं। अगर मामलात आराम से चल रहे हैं तो चलने दें, ये अदालत है, सियासी अखाड़ा ना बनाए। जज का इजहार बरहमी। हमजा शहबाज जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुशीर खजाना की बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग। 8 निकाती एजेंडे पर गौर। वजारतें अपने असासों की तफसीलात देंगी। शेख जैद अस्पताल लाहौर को वफाक के हवाले करने की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में कई वजारतों के तरक्याती फंड में कटौती का फैसला। दिफाई पैदावार का बजट 2.73 अरब से कम करके 1.70 अरब करने का इम्कान। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के लिए 680 अरब मुख्तस किए जाएंगे। महंगाई की शरह 8% से जायद रखने की तजवीज। ज़रई तरक्याती काम का हदफ 2.9 मुकर्रर किए जाने का पर गौर। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब चले गए। कहा इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें तय हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। कश्मीर राबता ग्रुप इजलास में भारतीय जारहियत पर बात होगी। चीनी नायब सदर वांग जीशन 2 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। एयरपोर्ट से वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने रुख्सत किया। मुअज्जिज़ मेहमान को दौरे का तस्वीरी एल्बम पेश किया गया। वांग जीशन का बादशाही मस्जिद का दौरा, शाही कला की सैर भी की। बिलावल भुट्टो का JV ओपल केस में कल नैब के रूबरू पेश होने का फैसला। पावर शो की प्लानिंग भी कर ली। जियालों को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत। काफिले की सूरत में नैब ऑफिस जाएंगे। मंजूर वसान को ख्वाब में जेल नजर आने लगी। नैब की जानिब से गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। ताबुन के लिए तैयार हूं, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए, TP रहनुमा की इस्तदा। सिंध हाईकोर्ट में नैब की सरजनिश। सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड के केस की तहकीकात में ताखीर पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, नैब हर आदमी को कॉल अप नोटिस जारी करता है। मवाद मांगते हैं तो कुछ नहीं निकलता। अगर किसी ने जुर्म किया है तो नैब साबित करे। May 28 यौम तकबीर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 21 बरस हो गए। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया को बता दिया कि हमसे टकराने का सोचना भी ना। लुटेरों ने ईदी मुहिम तेज कर दी। शेखुपुरा में 24 घंटे में 7 वारदातें। जिना पार्क बाजार से मोटरसाइकिल सवार शहरी से नकदी से भरा थैला लूटकर फरार। पुलिस जाने कहां है। ईद के जोड़े की खरीदारी के बाद जूतों की बारी। किसी को हील्स पसंद तो कोई मैचिंग जूते की तलाश में। खवातीन के इफ्तार के बाद बाजारों के चक्कर। जापान में स्कूल बस का इंतजार करने वाले बच्चों पर जनूनी शख्स का चाकू से हमला। एक राहगीर समेत तालिबा हलाक। हमलावर ने भी अपनी जान ले ली। हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए पुलिस तहकीकात जारी। और शहनाई की धुन मातम में बदल गई।
भारत में पुलिस अफसर बेटी की शादी की खुशी में बर्दाश्त ना कर सका और स्टेज पर गाना गाते हुए हार्ट अटैक से चल बसा। बेटी को एक दिन बाद बाप की मौत का बताया गया। ये थी आपकी हेडलाइंस। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद खबरों की तफसीलात शामिल करें।